भारत बंद को लेकर लगातार जो तस्वीरें आ रही, साफ तौर पर असर दिखना शुरू हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा की समर्थन में विपक्षी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरी है, बंद का समर्थन कर रही है। बात पटना की करें तो पटना स्टेशन पर लंबा जाम लग गया है और इस जाम के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर वहां पर रुका है यातायात को। और हमारे संवाददाता गौतम इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चले गए। गौतम, किस तरीके से वहां इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, क्या कह रही हैं, बंद का कितना असर हो रहा है? नेतृत्व करते हुए डाक बंगला की तरफ कूच कर गए। 12:30 बजे का समय रखा गया है, 12:30 का समय रखा गया है और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। उन तमाम नेताओं से भी हम बात कर रहे हैं। जगदानंद जी नेतृत्व कर रहे हैं मगर बहुत ही तरीके से, सलीके से लोगों को बढ़ने का निर्देश, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बताया जा रहा है कि उपद्रव ना करें, किसी तरह का शांतिपूर्ण तरीके से। सर, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग वहीं बताएंगे पूरी बात। तेजस्वी सर कितने बजे पहुंचेंगे? सर तेजस्वी जी भी आ रहे हैं क्या? तेजस्वी हम लोग वहीं रुकेंगे, बंगला पे जाएंगे, जगदानंद जी ये बता रहे हैं। मगर आपको हम बता दें कि जो राजद के नेता है वो तमाम लोगों को जो है मर्यादित करते हुए चल रहे हैं। कुछ नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो लोग हैं वो भीड़ में और हम भी भीड़ में इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ नेताओं से हमारी बात करने की कोशिश होगी कि ये जो प्रदर्शन है उसका कितना इम्पैक्ट है। मगर आप जो देख रहे हैं राजद नेताओं को एकत्रित करके जो है लोग ले चल रहे हैं। कुछ राजद नेताओं से भी हम बात कर लेते हैं, किस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही मर्यादित तरीके से कोशिश है प्रदेश अध्यक्ष की, मगर कुछ जगहों पर जबरदस्ती भी बंद कराया जा रहा है। जबरदस्ती बंद नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति और किसान नीति के विरोध में महागठबंधन एकजुट होकर संपूर्ण भारत को बंद किया है। उस बंद का कितना असर दिख रहा है क्योंकि अभी 11 पूरे भारत में चक्का जाम है, बंद का पूरा असर है। देखिए, रोड जाम है और लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, व्यवसायी का, छात्र का, किसान का भरपूर समर्थन। आम लोगों को परेशानी हो रही है सड़कों पर चलने में, ये तो जब रचनात्मक कार्यों के लिए इंसान आगे बढ़ता है, एक मामूली सड़क भी बनाता है तो कठिनाई होती है। इसीलिए पूरे भारत की जनता से क्षमा चाहेंगे कि इस पुनीत कार्य और किसान विरोधी नीति केंद्र सरकार के खिलाफ। आप तेजस्वी जी भी उतरेंगे, ये कुछ जानकारी एक ये पूरा काफिला तेजस्वी जी का है और हर झंडे में तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी और जगदानंद हर झंडे में है और आगे भी चलते हैं। जो राजद के नेताओं से हमारी बात होगी हम उनसे कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए बच्चे भी पहुंचे हुए हैं। झंडा लेके पहुंचे हुए हो? क्यों झंडा लेके पहुंचे हो? क्यों इसे पता नहीं है मगर झंडा लेके पहुंचे? तुम्हें पता है क्या क्यों पहुंचे हो? चलिए, बहुत लोग जो है जिन्हें नहीं पता है मगर राजद का आज बंद है और इस बंद में जो है समर्थन। चलिए, राजद के प्रवक्ता है उनसे जान लेते हैं, बंद का कितना असर देख रहे हैं? बंद का व्यापक असर है, आप देख रहे होंगे पूरे देश में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। उसके साथ साथ जितने भी विपक्षी दल हैं जो जो किसानों की मांगों को समर्थन दे रहे हैं, जिन्हें पता है कि ये तीनों कृषि कानून किसान के हित में नहीं है बल्कि चंद कॉरपोरेट घरानों के हित में लाया गया ये कानून है, तो पूरा देश आंदोलित है। एक एक जो किसान इस देश के एक एक लोगों का पेट भरता है। आम जनता को समस्या हो रही है इन बात से क्या इत्तेफाक? देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई का क्या हाल है, युवा आंदोलनरत है, शिक्षा को लेकर आंदोलनरत है, रोजगार को लेकर आंदोलनरत है, कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलनरत है। तो लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ही जनता का एकमात्र अधिकार होता है। लोकतांत्रिक तरीके से सब लोग सड़क पर उतरे हैं। इसका असर होगा लग रहा है? असर होना ही पड़ेगा, होना ही है। देश
पूरा देश उद्वेलित है। गौतम इस वक्त हम देख रहे हैं, गौतम हम चाहेंगे कि जो जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी आप बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे भी जानिए कि क्या बड़े नेता आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे इस बंद के समर्थन को लेकर, और उनका वो क्या सोच रहे हैं, जगदानंद सिंह कैसे देखते हैं इस पूरे बंद को, कैसे सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जगदानंद जी से बात हमारी जरूर कोशिश करने की हुई है मगर वो अभी नहीं बोलेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव कब यहाँ पे पहुंचेंगे उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। मैडम प्रदर्शन तो हो रहा है, जनता भी परेशान हो रही है। जनता परेशान क्यों हो रही है, पिछले 10 महीने से किसान हमारे परेशान है। जो देश जय जवान जय किसानों वाला है उस देश में हमारे किसान पिछले 10 महीने से बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार जो है केंद्र की सरकार वो उनकी बातों को सुनने तो छोड़ दीजिए, उनसे बात तक करना नहीं जरूरी समझ रही। तो पूरा देश परेशान है, 70% आबादी अभी भी हमारे देश में किसान ही पे डिपेंड करता है। तो आप समझ लीजिए जब हमारे किसान परेशान है तो संपूर्ण देश परेशान है। गौतम सारिका पासवान आरजेडी प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि कब तक तेजस्वी यादव क्या पहुंचेंगे इस बंद के समर्थन को लेकर। जी सारिका जी से मैं जरूर जानने की कोशिश। मैडम तेजस्वी जी का क्या कुछ कार्यक्रम है इस बंद के दौरान, प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे या? देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे ही राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पे उतरी है। इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ उन 3 काले कानून के विरोध में खड़ी है, उतरी है सड़क पे और अपनी लड़ाई लगातार उनके साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। और हर एक व्यक्ति के अंदर वो विचारधारा है, हर एक व्यक्ति के अंदर तेजस्वी यादव है। तो आज जो भी सड़क पे उतरा है हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली अपने आप में तेजस्वी यादव है। एक सवाल फिर से मैं वही कहूंगा कि किसानों की सहभागिता जो होनी चाहिए इसमें, अन्य राज्यों के किसान, बिहार के क्यों नहीं किसान आप में सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए सब हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी मार्केट तो 2006 में ही समाप्त कर दिया। अगर वाकई में ये इतना महत्वपूर्ण होता तो आज हमारे बिहार के किसान जो है ना करोड़पति होते। आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए कि बिहार के जो किसान जो है उनकी स्थिति सुधरी है। यही बात लोग बोल रहे हैं कि आपके साथ क्यों नहीं आखिर बिहार के किसान है जब इतनी समस्या। आपको क्या लगता है इतने सारे जो हमारे साथ लोग हैं वो क्या उद्योगपति हैं, अडारी और अंबानी के लोग हैं? ये वही मजदूर हैं, ये वही किसान हैं जो अपने खेत में काम भी करते हैं और आज अपने हकों की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरे हैं। तो वो जो लोग सड़क में अपने कानों में तेल और आंखों में पट्टियां बांध के सो रहे हैं वो आंखें खोले और देखे, हमारे साथ जो ये लोग खड़े हैं ना ये किसान और मजदूरों की भीड़ है, ना कि अडानी और अंबानी की। कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है, जो मांगे होगी उस पर विचार किया जाएगा। बात ही तो किया जा रहा है, बात के अलावा ये लोग करते ही क्या है? अरे बातें हैं बातों का क्या, अब समय है फैसले लेने का। नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री जी, आप जाग जाइए क्योंकि बिहार और देश का पूरा जो किसान है वो सड़कों पे है। शर्म करने की बात है ये देश के लिए। देखिए फिर से आज भारत बंद किया गया है और उसमें जिस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए वो सड़कों पर अब जो है इसका असर दिख रहा है। देखिए भले सुबह की तस्वीरें कुछ और थी मगर अब डाक बंगला पे जो है पूरा ये बंद समर्थकों का हुजूम पहुंच चुका है और जो नेता हैं उनकी तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। चारों तरफ की ये तस्वीरें ये बता रही है कि पटना में जो सड़कों पर प्रदर्शन होना था या सड़कों पर जो गाड़ियों का परिचालन होना था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और ज़्यादातर जो लोग हैं या जो दुकान है उसे बंद ही रखा गया है। इन तमाम क्षेत्रों के लगभग सभी दुकानों को बंद रखते हुए जो है इस बंद। गौतम इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।